हाँ भाई करे शुरू। तो आपके भाई के साथ भारी ब्लंडर हो गया, लाखों का नुकसान हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ आपका ना हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के साथ। तो शुरू से शुरू करते हैं कि भाई लाखों का नुकसान हुआ कैसे तेरा। तो भाई किसी भी यूट्यूबर के लिए उसके बीरोल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ए रोल तो हम कभी रिकॉर्ड कर ले बैठ के, लेकिन बीरोल्स के साथ सीन ये है। लाइक टेक यूट्यूबर की बात कर लेते हैं, तो बहुत से ऐसे फोन होते हैं जो हम खुद बाय करते हैं अपने मेहनत के पसीने की कमाई से, और उनके बीरोल्स को हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करें उस प्रोडक्ट की तो हम वहां पर उसके शॉर्ट्स डाल सकें। अब अपना दिमाग लगा के ये मत कहना YouTube से वीडियो डाउनलोड करके डाल देना, तो भाई वहां पर क्वालिटी लॉस होता है। तो इस वजह से बीरोल्स हम यूट्यूबर संभाल कर रखते हैं, इसी तरीके से व्लॉगर्स हैं और अदर क्रिएटर भी हैं। और सिर्फ क्रिएटर ही, नॉर्मल पर्सन भी भाई अपनी मेमोरीज को संभाल के रखते हैं। तो हुआ सीन ये कि आपका भाई पुराना पीसी यूज करता था जब स्टार्टिंग में यूट्यूब पर आया था, तो पीसी तो हो गया खराब, लेकिन उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा डेटा था। अब उसको यूज करने के लिए हमने 500 रुपए की ली केसिंग, और कुछ जुगाड़ों से यूज करने लगे हम अपने बीरोल्स को। तो इसको चलाने के लिए ना आपको पावर देनी होती है, अगर पावर वाला ये एडप्टर हिल जाए तो भाई ये बंद हो जाती थी चलते चलते। तो एक दिन हुआ ये, हमने इसे लगाया और इसके अंदर डेटा ही शो नहीं हो रहा, तो पूरा डेटा करप्ट हो गया और यहीं पर हमारा लाखों का नुकसान हो गया। तो इंडियन जुगाड़ तो भाई जुगाड़ ही निकला। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई कुछ ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप अपनी मेमोरीज और डेटा को सेफ रख सकते हो। अब डेटा स्टोर करने के लिए वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, और सबसे ओल्ड स्कूल है एसडी कार्ड। चिपे आपने भरी हनी सिंह के गाने से या नहीं भरी जरूर बताना। लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड सिर्फ कैमरे और स्मार्टफोन के लिए यूजफुल है, कोई बैकअप का ऑप्शन ये नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट तरीका थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, ये है क्लाउड स्टोरेज। और क्लाउड स्टोरेज के साथ सीन ये है कि भाई यहाँ पर लिमिटेड स्पेस मिलता है। अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका ये जो प्रोजेक्ट साइज जो 50 GB के ऊपर होता है, तो अगर मेरे को क्लाउड स्टोरेज यूज करना है, 50 GB अपलोड करना है इस पर, तो मेरे को इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी पैसे डालने वाली बात है। और अगर मैं सब्सक्रिप्शन ले भी लेता हूं, तो पहले मैं अपलोड करूंगा, फिर यूज करने के लिए डाउनलोड करूंगा। और सपोज मैं किसी ऐसे एरिया में चला गया जहां पर इंटरनेट की एसेसिबिलिटी काफी कम है, तो वहां पर तो भाई बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे क्लाउड स्टोरेज वहीं तक सही लगता है कि अपनी फोटो स्टोर करके रख दो, और वो भी कुछ, क्योंकि भाई मैं मंथली थोड़ी पे करना चाहूंगा इसके लिए। तो इसको भी थोड़ा साइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एसएसडी, और एसएसडी को मैं पर्सनली यूज करता हूं बिकॉज इसकी जो रीडिंग राइटिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, टॉप नोच मिलती है। इसका साइज छोटा होता है, कहीं भी इसके अंदर डेटा डाल के घूम लो, लेकिन मैं इसे ना रेगुलरली जब भी यूज करता हूं, जैसे कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसका सारा डेटा मैं एसएसडी के अंदर डालूंगा ताकि मेरा बेचारा ये पीसी भर ना जाए। और एसएसडी की रीडिंग और राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं डायरेक्ट एसएसडी से किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसे एडिट कर सकता हूं। और एसएसडी का एक और फायदा लगता है मेरे को, लाइक मेरे को पीसी से लैपटॉप में स्विच करना है ना, और मैं किसी फाइल पर काम कर रहा हूं, तो मैं इजीली स्विच कर सकता हूं। तो इससे भी अच्छा तरीका मेरे को जो लगता है अपने डेटा को सेफली स्टोर रखने का, वो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। भाई ये WD की हमने ली है, और हमने काफी सारे यूट्यूबर से पूछा था भाई आप किसकी हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे WD की सजेस्ट करी थी। अब मेरे को पता लग गया भाई उन्होंने क्यों सजेस्ट करी थी, क्योंकि इसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा है और इसकी बिल्ड भी अच्छी है, तो इसमें भी मैं डेटा को स्टोर करके कहीं भी लेकर घूम सकता हूं। बाकी इसकी मैं कुछ फायदे बता देता हूं, ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव की तरह ही काम नहीं करती जैसे पहले करती थी। इसकी एडवांटेजेस काफी अच्छी है, एक तो इसमें ना पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल जाती है, आप इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो ताकि आपके डेटा को कोई एसेस ना कर पाए, बॉयज रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। और इस हार्ड ड्राइव के अंदर ना ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन दिया है, जिसे आप इनेबल कर लोगे और फिर कभी भी आप इसको लगाओगे अपने पीसी से, तो ऑटोमेटिकली बैकअप बन जाएगा आपके पीसी का इसके अंदर, जिससे आप एश्योर हो जाओगे कि आपका डेटा लॉस नहीं हुआ है कहीं भी। तो ये भी फीचर ना बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि भाई बीरोल्स हमारी जान है, और अब बीरोल्स हमारे कहीं नहीं जाने वाले इसके बाद। इसी के साथ भाई इसके अंदर जो मेरे को एक और सही चीज लगती है, ये स्टोरेज एक्सटेंडर की तरह भी काम करती है। सपोज मेरा जो मैकबुक है ये भाई 1 TB का, सपोज का 1 TB का ही है, इसे लगाने के बाद ये 3 TB का हो जाएगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो 2 TB की है, और इसे मैं एज अ मेमोरी यूज कर सकता हूँ इसकी। तो अब आपका भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट सेव कर सकता है। और मैं इसके बारे में एक बात बता दूं, इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, मैं डायरेक्ट इससे ही ना एडिटिंग कर लेता हूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं मैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और एडिटिंग मस्त हो जाती है। तो इसकी स्पीड भी भाई काफी सही लगी मेरे को। तो ये WD की हार्ड ड्राइव मेरे को तो वर्थ लगी है। बाय द वे ये वीडियो कोलैबोरेशन में बन रही है WD के, और अगर आपको WD के किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका भाई लिंक दे देगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ, यहीं पर एक छोटी सी चीज भी हमारे पास, ये है मोबाइल की पेन ड्राइव। और ये जो छोटी सी पेन ड्राइव है 128 GB की कैपेसिटी के साथ आती है, और इसके ऊपर की तरफ टाइप सी कनेक्टर दिया है, तो नीचे की तरफ भाई लाइटनिंग कनेक्टर दिया गया है। और मैंने काफी कम ऐसी पेन ड्राइव देखी है जिसको आप आईफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। और मैं इसका एक यूज केस बताता हूँ आपको, मैं आउटडोर के अंदर जब आईफोन 14 Pro Max और 13 Pro Max वाली वीडियो शूट कर रहा था, तो व्लॉग के टाइम पर मेरा 13 Pro Max 128 GB फिल हो गई थी, तो मैंने इसको यूज में लिया और उसका डेटा
डेटा इसके अंदर ट्रांसफर करा तभी वो व्लॉग आ पाया आईफोन 14 प्रो मैक्स वाला। तो ऑल थैंक्स टू दिस पेन ड्राइव। और इस पेन ड्राइव में मेरे को एक और अच्छी चीज लगी, जब आप इसे अपने फोन से पहली बार कनेक्ट करोगे तो ये दिखा देगा आपको कि आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इसे मस्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर ना ऑटो बैकअप का ऑप्शन भी दिया है, जिसे एक बार इनेबल करने के बाद जब भी आप अपने फोन से इसे लगाओगे सारे न्यू डेटा का इसके अंदर ऑटोमेटिकली बैकअप बन जाएगा, तो आप एश्योर रहोगे कि आपका डेटा कहीं लॉस नहीं होगा। तो भाई ये वाला फीचर भी सही है इसमें। और इसी के साथ भाई मैंने एक बात और नोट करी है इसके अंदर, जब मैं अपने फोन से इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर कर रहा था तो ट्रांसफर होने के बाद पहले तो रीडिंग और राइटिंग स्पीड अच्छी थी, और ट्रांसफर होने के बाद मेरे को एक ऑप्शन मिला जितनी फाइल इसके अंदर ट्रांसफर हुई है क्या आप उनको अपने फोन से डिलीट करना चाहोगे। तो भाई वो बहुत ही सही है, क्योंकि मुझे बार बार सेलेक्ट करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है और मेरे फोन का स्पेस भी खाली हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी तरह आईफोन 128GB वाला लिया तो आप उसे 256GB कर सकते हो इसकी मदद से। तो यही कुछ तरीके हैं अपने डेटा को सेफली स्टोर करने के। अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आपका भाई इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉइन मैं गाइस, वो करे डू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद एचएफवीएन बॉक्स गाइस, बाय।